12th पास करना सभी स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अचीवमेंट ही होता है, लेकिन सही मायने में माने तो स्टूडेंट का अगला कदम यहीं से शुरू होता है, यानी कि अगली परीक्षा। क्योंकि 12th पास करने के बाद करियर का चुनाव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस करियर की बात करने वाले हैं वो है कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम में से एक कॉमर्स स्ट्रीम को माना जाता है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि 12th कॉमर्स स्ट्रीम क्लियर कर ली, लेकिन अब आगे क्या करें, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना एक राइट डिसीजन होगा और किस फील्ड में सबसे ज्यादा स्कोप मिल सकता है। ऐसे बहुत से सवाल कॉमर्स स्टूडेंट के माइंड में जरूर चलते हैं, जिनका जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको 12th कॉमर्स के बाद किए जाने वाले पॉपुलर कोर्स और जॉब ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए करियर ऑप्शन आपको पता चलते रहे। तो चलिए वीडियो पर आ जाते हैं। सबसे पहले कोर्स पर आ जाते हैं, बीकॉम। इस कोर्स में कॉमर्स और फाइनेंस रिलेटेड कोर्स सब्जेक्ट की स्टडी शामिल होती है। आपको बता दें कि कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, लॉ, इन्वेस्टिंग, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जनरल बैंकिंग और कंसल्टिंग होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट के बीच में बहुत ही फेमस और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट की अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड होती है। ऐसे कैंडिडेट को फाइनेंस, अकाउंटिंग, HR और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जूनियर लेवल पर हायर भी किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप मैनेजमेंट, टीचिंग, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, लॉ, डिजाइन फील्ड में करियर बना सकते हैं। CA और CS करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये कोर्स एक आइडियल चॉइस होता है। अगर आप CS कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो CS कोर्स का वीडियो हमने बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका BCA, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर शुरू करने के लिए मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन में से एक है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में BCA कैंडिडेट की काफी डिमांड है। इस कोर्स को करने के बाद आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकेंगी। BCA ग्रेजुएट सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वेब डेवलपर, जूनियर प्रोग्राम जैसी पोजिशन पर काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है BBA। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो BBA कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आप कॉर्पोरेट फर्म्स और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। इसमें आप मार्केटिंग, फाइनेंशियल, सेल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा BMS, यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये भी 3 साल का कोर्स है, ये आपको मैनेजमेंट फील्ड के लिए तैयार करता है। अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी चीजों में है तो आप 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें आप ग्रेट लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये कोर्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की डीप नॉलेज प्रोवाइड करता है। BMS कोर्स करने के बाद आप मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस एंड रिटेल, कंसल्टिंग जैसी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका BCOM LLB। ये प्रोफेशनल लॉ प्रोग्राम है, इसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है और इस कोर्स में स्टूडेंट को कॉमर्स और लॉ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, लेक्चरर जैसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है CA। ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट की पहली पसंद CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस काम में स्कोप भी बहुत है, जैसे कि बहुत सी कंपनीज को हमेशा CA की नीड होती है अपने फाइनेंस और टैक्स को संभालने के लिए। CA बनने के लिए आपको कुछ एग्जाम पास करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम पास कर लेती हैं तब आपको इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI की तरफ से CA घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैंकिंग ऑफिसर। कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद आप बैंकिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। वैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, आप भी बैंकिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमर्स स्टूडेंट को फाइनेंस की नॉलेज होती है उसकी वजह से बैंक का इंटरव्यू क्रैक करना उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉमर्स टीचर। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप कॉमर्स के टीचर भी बन सकते हैं, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आपको इसके लिए 12th करना होगा, उसके बाद BCOM करना होगा, फिर BEd की डिग्री लेना जरूरी है। यदि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको NET या फिर PhD का एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और ये भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको ये बताता है कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को इन्वेस्टमेंट बैंकर की नीड होती है, जो उन्हें ये बता सके कि उन्हें किस बिजनेस पर पैसा इन्वेस्ट करना है, किसमें ज्यादा फायदा है, उसके अनुसार ही वो अपने बिजनेस प्लान को रेडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंश्योरेंस जॉब। कॉमर्स के स्टूडेंट को ज्यादा नॉलेज बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग और मार्केटिंग की तो होती ही है। ऐसे में अगर इस फील्ड में कोशिश की जाए तो अच्छा खासा करियर बना जा सकता है। यहाँ कॉमर्स करियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट अपने मार्केटिंग स्किल का यूज करके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करवा सकता है। जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो किसी भी कंपनी और उसके कस्टमर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो अगर आप 12th कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, अगर इनमें से कोई कोर्स आपको पसंद आता है, कोई आपके इंटरेस्ट के टच में आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कोई डाउट है तो मैं कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं ऐप भी और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकती हूँ, पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।